ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें कि आज हम लोग अपना प्रोडक्ट वाला पेज बनाने वाले हैं और इस पेज के बाद हम लोग अपना प्रोडक्ट ऐड करने वाला फंक्शन ही बनाएंगे। आज सबसे पहले प्रोडक्ट का पेज बनाते हैं, फिर हम लोग प्रोडक्ट ऐड करने के लिए भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम लोग को काम क्या करना है कि देखो, अभी अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, कोड दिखाऊँ, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट पेज है जो मेरे पास बना हुआ था, ठीक है। उसमें मैंने रो में ये चीज़ें लिखा हुआ है जो कि हमारा शुरू में दिखता है, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट टेबल, अब हम लोग ऑल प्रोडक्ट टेबल कैसे बनाएं? तो देखो यार, प्रोडक्ट टेबल के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मैंने बताया नहीं कि मैंने कैसे बनाया, इसीलिए मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के बाद अभी अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो हमारे पास सिंपल सा चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे पास इस टाइप का पेज है। अभी एक काम करूंगा मैं कि यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ, लेकिन हम लोग को एक और रो बनाना है मुझे, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे ये वाला सेक्शन के अंदर हमारा जो रहेगा वो नहीं रहना चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि एक और सेपरेट रो बनाऊँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 एंड यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक रो चिल्ड्रेन, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग ये चीज़ डाल देंगे और यहाँ पे लिख दूँगा मैं ऐड न्यू, एंड मैं थोड़ा सा ये प्राइमरी बटन को चेंज करता हूँ, इसका जो बॉर्डर रेडियस है ना उसको मैं 5 डालता हूँ। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ कि हमारा जो इस तरह का दिख रहा है एकदम नॉर्मल सा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि मुझे एक और बटन बनाना है, ठीक है, एक और बटन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसी को सेम टू सेम नीचे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्राइमरी बटन ना लिखकर मैं चलता हूँ एक सेकेंडरी बटन भी बनाता हूँ, ताकि हम लोग अपना बटन को यूज़ कर पाएँ। नहीं तो एक काम करता हूँ मैं, जो हमारा बैकग्राउंड है ना उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ फाइनल कलर कलर, ठीक है, कलर हम लोग लेंगे भी। एंड कलर में हम लोग क्या करेंगे कि एक काम करता हूँ मैं, कलर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे थीम डॉट ऑफ डॉट प्राइमरी कंटेनर नहीं डाल सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रन दो, हम लोग इसको रिक्वायर्ड ही कर देते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि हमारा जो भी कलर यहाँ पर आएगा वही कलर हमारे पास इधर भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर एंड यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कलर, ठीक है, एंड यहाँ पे भी वही कलर रहेगा एंड यहाँ पे भी वही कलर रहेगा, ठीक है। ये काम कर दिए, अब हमको यहाँ पे आकर कलर डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कलर थीम डॉट ऑफ डॉट प्राइमरी कलर स्कीम डॉट प्राइमरी, ठीक है, ये हम लोग प्राइमरी कलर डाल दिए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट में हम लोग जो बटन डाल देते हैं वो डाउनलोड का बटन डालते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया सा डाउनलोड का बटन आए। एक्सपोर्ट अगर लिख के देखूँ मैं, एक्सपोर्ट का तो कोई ऑप्शन अच्छा नहीं दे रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये वाला चूज़ कर लिया। कलर में मैं डालता हूँ कलर डॉट डीप पर्पल, अब देखते हैं कि हमारा बटन कैसा बना, ठीक है। दो बटन मैंने बनाया एंड दोनों बटन यहाँ पे क्यों नहीं आया, एक सेकंड। ओके, कहीं पे एरर है अभी, यहाँ पे देखो एक और हम लोग बटन यूज़ किए, तो यहाँ पे कलर हम लोग को डालना पड़ेगा, कलर थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कलर, ठीक है, ये कलर हम लोग डाल दिए। अब हमारा पेज पे हमारे जो बटन्स हैं वो आ जाने चाहिए, चलो दिखा दो। यस, हमारे पास देख सकते हो कि हमारे पास बटन्स आ चुकी है। अब एक काम करते हैं कि ये बटन को लास्ट में कर देता हूँ मैं, तो एक सेकंड, मैं ये जो बटन है ना, कहाँ पे, इसमें नहीं, प्रोडक्ट पेज में जो बटन है, तो मैं इसमें लिखूँगा। और हमारे पास दो दो रो क्यों है यहाँ पे,
एक ही रो होना चाहिए, दो रो क्यों है हमारे पास, सिर्फ ये रहना चाहिए। एक सेकंड एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ एंड इसको यहाँ से हटा के इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड कर देता हूँ और इसके बीच में थोड़ा सा साइज बॉक्स देता हूँ, साइज बॉक्स विथ मैं 10 का डाल देता हूँ, देखते हैं कितना अच्छा लगता है। ओ स्पेस बिटवीन नहीं डालना था भाई, एंड डालना था। ओके बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अभी एक काम और करता हूँ मैं कि ये जो है ना इसको मैं ऊपर डालता हूँ और इसको मैं नीचे डालता हूँ, एंड लास्ट में भी थोड़ा सा मुझे, चलो अब देखो अब सही लग रहा है हमारे पास, ठीक है। दोनों बटन, अगर और भी बटन्स आपको लगानी है तो लगा सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक आइकन बटन बनाता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, प्राइमरी कलर को मैं कॉपी करूँगा प्राइमरी बटन को, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई आइकन बटन, ठीक है, डॉट डॉट, क्योंकि हमारा जो आइकन बटन होगा वो डिफरेंट होगा, तो सारी चीज़ें तो वही रहेगा, सिर्फ हम लोग नाम नहीं लेंगे आइकन लेंगे। तो नाम को हटा देते हैं यहाँ से, एंड हमारे पास क्या रहेगा, ये रो नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे पास एक आइकन रहेगा, और ये रो हटा देते हैं यहाँ से, एक आइकन रहेगा वो भी सेंटर में रहेगा, ठीक है। सेंटर में हम लोग आइकन को डाल दिए। चलो अब आइकन्स को यहाँ पे कॉल करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं इधर ऊपर कॉल करेंगे हम लोग माई आइकन बटन। आइकन बटन का नाम हम लोग चेंज नहीं किए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज कर देना माई आइकन बटन, एंड यहाँ पे कर देना इम्पोर्ट, ओके। अब हमारे पास एक बटन आ गया, देखते हैं कि कैसा लग रहा है देखने में। यस, ये देख सकते हो हमारे पास एक बढ़िया सा बटन आ गया। अब एक काम करता हूँ, इसका जो कलर है वो ऑरेंज डाल लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं लिख देता हूँ रिफ्रेश, यानी कि अगर हमारी टेबल को कभी रिफ्रेश करने की काम आए तो वो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग कर सकें, ठीक है। अभी एक काम और करते हैं कि यहाँ से मैं विथ उठाकर 10 का विथ मैं इसके बीच में डाल देता हूँ, सही है। अगर आपको फ्यूचर में और कोई बटन्स ऐड करने को आया, लग रहा है कि हम लोग और बटन्स ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हमारे पास 3 बटन अच्छा लग रहा है। अब नीचे हम लोग अपना जो भी चीज़ें होगी, यानी कि जो टेबल्स होंगे, जितना प्रोडक्ट है हमारे पास, वो सारी चीज़ें हम लोग नीचे अब शो करवाएंगे। तो उसके लिए देखो, हम लोग एक बार पहले टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं, किस में, ऑर्डर हिस्ट्री में। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हम लोग टेबल बना चुके हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा है ये हमको टेबल ही दिखाता है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा पूरा को, ठीक है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरा को सिर्फ कॉपी किया, एंड मैं चलूँगा प्रोडक्ट में, विजिट्स में, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट्स टेबल डेटा डॉट डॉट, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और ऊपर चलूँगा और इसका नाम चेंज कर दूँगा, मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स टेबल डेटा, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमारे पास ये जो बन गया वो प्रोडक्ट्स के लिए बन गया। अब ये इसको मैं कॉल कर लूँगा कहाँ पे, हम लोग ये जो रो बनाए इसके नीचे हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे प्रोडक्ट्स टेबल डेटा, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें मांगेगा हम लोग से, तो एक सेकंड देखते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए मांग रहा था, कुछ और नहीं मांग रहा था। अब सेव करते हैं, एंड सेव करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको हाइट देता हूँ, 20 का हाइट देता हूँ, ओके। अब हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे कैसा लग रहा है हमारे पास। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट की टेबल आ गया। ये वही सेम टू सेम टेबल है जो हम लोग यहाँ पे होम पेज में बनाए थे।
तो आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है, हम लोग वही टेबल यहाँ पे भी शो करवा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ बटन्स है, ऐड न्यू पर क्लिक करके हम लोग ऐड वाला सेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसकी चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले अगर प्रोडक्ट्स में आए तो हम लोग यहाँ पे एक सेकंड प्रोडक्ट्स की नेम सेव करवा रहे हैं, उसकी प्राइस शो करवा रहे हैं, एक्टिव है कि नहीं वो शो करवा रहे हैं, ठीक है। एंड हम लोग ये जो प्रोडक्ट है ना इसको हम लोग एक ड्रॉप डाउन के जैसा शो करवाएंगे। तो चलो ये जो एक्टिव है उसके जगह पे हम लोग कुछ और बनाते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रू ट्रू लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। रुको एक मिनट, सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसमें जो हमारा ये एक्टिव वाला है उसको हम लोग इधर कर देते हैं, ठीक है, टैग के बगल में उसको कर देते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग अपना इधर आ जाएंगे और सभी जगह पे जो एक्टिव है ना उसको नीचे कर देंगे। नीचे कैसे करना, तो आपको अल्ट दबा कर रखना जो भी लाइन को नीचे करना हो, और उसके बाद खींच के नीचे ला देना। तो जैसे मैंने इतना पूरा लाइन को नीचे करना है तो अल्ट दबा कर मैं ड्रॉप डाउन वाला बटन दबाता रहूँगा, ठीक है। डाउन डाउन एरो आप ऐसे क्लिक करते जाओ जब तक वो नीचे ना आ जाए, अल्ट दबा कर रखना, ठीक है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। एंड इधर अब एक बार मैं सेव करके देखता हूँ कि हमारे पास लास्ट में वो चीज़ें आया कि नहीं। यस, हमारे पास लास्ट में आ गया, लेकिन इतना भी लास्ट में नहीं करना था हम लोग को। हम लोग को थोड़ा सा एक्शन के ऊपर रखना है, एक्शन के ऊपर, ठीक है, तब ये आ जाएगा आगे। यस, यहाँ पे। एंड हम लोग को आई थिंक टैग को हटा देना चाहिए क्योंकि टैग का इसमें कोई ज़रूरत रहेगा नहीं हम लोग को। तो अगर मैंने वहाँ से टैग हटाया तो अभी एरर देगा, बोलेगा कि भाई सभी जगह से टैग हटा लो अपना। तो ये भी पूरा टैग गया, अभी हमारा सही से शो कर रहा है। अब एक काम करते हैं कि हमारा जो टेबल है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो इसको भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन तो वैसा नहीं है यार कि हम लोग इसको मतलब एक्सपैंड कर दें, लेकिन हाँ इसमें हम लोग साइजेस दे देकर ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करता हूँ कि मैं चलूँगा इधर यहाँ पे, और यहाँ पे रो हाइट लिखूँगा। रो हाइट मैं इसको दे देता हूँ कितना, 70 का हाइट, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ओके, 70 का हाइट दे दिया। अब मैं क्या करूँगा कि नेम के बगल में या फिर आईडी के बगल में मैं एक वो ऑप्शन डालता हूँ जिसमें हम लोग प्रोडक्ट की इमेजेस देख सकते हैं। तो मैं ये आईडी के बगल में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज। पहले देखते हैं इमेज कैसा हम लोग को दिखता है। तो ये नेम के ऊपर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस, ठीक है। इमेजेस का यहाँ पर लिस्ट आ रहा, लेकिन हम लोग सिर्फ पहला इमेज ले तो क्या तकलीफ हो गया इसको। गेटिंग डॉट इमेज डॉट डॉट टू स्ट्रिंग, एक सेकंड, इमेज इमेजेस, ओके इमेजेस हम लोग को मिल जाएगा। एंड हम लोग यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेजेस, ठीक है, ये मिल गया हम लोग को। एंड ये सेम चीज़ हम लोग कहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाके डाल देंगे ऐसा। एंड इमेजेस की जो चीज़ें हैं वो अभी हम लोग शो नहीं करवाएंगे, तो इसके लिए एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रो अडाप्टर लिखे हैं वहाँ पर नीचे आकर मैं चेक करूँगा यहाँ पर इफ़ सेल डॉट कॉलम नेम इक्वल टू इमेजेस रहा तो हम लोग वहाँ पे इमेज रिटर्न करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, एक सेकंड। ओके, तो फोटो के जगह पे अभी हम लोग कंटेनर का विथ डाल देते हैं 50 एंड हाइट भी 50 डाल देते हैं। और मैं बोलूँगा कि अभी फ़ोटो नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास तो कोई वो चीज़ें आ ही नहीं रही, इसीलिए हम लोग फ़ोटो नहीं दिखा रहे हैं। बॉक्स डेकोरेशन, इसको बॉर्डर रेडियस हम लोग इसको डालते हैं
एंड 10 का डालें, और कलर जो होगा वो कलर में डालता हूँ, कलर्स डॉट ग्रीन, ग्रीन डॉट विथ ओपेसिटी 0.2, इस तरह से डाल देते हैं। अभी देखते हैं कि हमारा जो टेबल है वो कैसा दिखता है। तो अभी अगर आपको दिखाऊं तो हमारा टेबल कुछ इस तरह का दिख रहा है, जिसमें कि यहाँ पे हमारे पास आईडी के बाद एक और कॉलम आया जो कि है हमारा इमेजेस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ, तो थोड़ा सा नाम भी चेंज कर लेता हूँ मैं वहाँ पे जल्दी से। तो कहाँ गया, ये रहा हमारा इमेज, ठीक है, इमेज का नाम चेंज कर लिया। अब एक दिक्कत और है कि हम लोग को थोड़ा सा इसकी जो हाइट है ना वो और बढ़ाना पड़ेगा। तो 150 का रो हाइट मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि बढ़िया सा दिखते रहे यहाँ पे। अगर अभी चले तो अभी हमारे पास देखो पूरा कंटेनर शो हो रहा है, सही है, अभी देखने में सही लग रहा है। अगर अभी आपको दिखे तो यहाँ पे शायद मैंने जो हाइट डाला ना वो हाइट लिया नहीं जा रहा है। किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा विथ एंड ये रहा हाइट। अगर मैं इसको सेव करूँ हटाकर, फिर भी देखो हमारे पास ये आ ही रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं मार्जिन डाल देता हूँ, या फिर ठीक है मार्जिन डालते हैं, कुछ भी डालो बात वही है। इज इंसिस्ट डॉट ऑल, मैं कितना 5 का मार्जिन डालता हूँ, ताकि ये चारों तरफ से ऐसा ना लगे कि सटा हुआ पूरा। अब देखो लग रहा है कि हाँ हटा हटा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अपना वो जो भी चीज़ें रहेगी वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब एक काम और करते हैं कि हम लोग एक्शन जो है ये वाली एक्शन यहाँ पे, सॉरी एक्टिव जो है इसकी थोड़ी सी मैं विथ बढ़ाता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ और भी ऐड करेंगे। तो देखो इमेजेस हमारा इस तरह से दिख जाएगा कि क्या प्रोडक्ट है हमारा, उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं कि हम लोग इसकी जो लिखावट है उसको बड़ा कर सकते हैं, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ। ओके, अब सही लग रहा देखने में। तो मैं थोड़ा सा अगर एक्टिव की लेंथ बढ़ाऊँ तो हमारा जो पूरा जो है वो हो जाएगा। इज एक्टिव को मैं 150 कर देता हूँ। तो अब देखो इसकी थोड़ी सी विथ बढ़ गई, अब ये पूरा बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब एक काम और है कि हमारे पास ये जो एक्शन वाला है ना, एक्शन में हम लोग दूसरी चीज़ें डालेंगे, तो एक्शन में भी चलते हैं। तो एक्शन में हम लोग ये चीज़ें डाल रहे थे, तो अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं डालेंगे, मैं डालूँगा यहाँ पे माई आइकन, ठीक है, आइकन्स डॉट एडिट, एंड ऑन टैप में हम लोग एडिट कर सकते हैं, कलर्स डॉट ग्रीन डाल लेते हैं, ठीक है। एक आइकन हो गया हमारे पास, एक और आइकन हमारा रहेगा एडिट के साथ डिलीट करने का। ओके, ये देखो सजेशन में आएंगे। अगर आपको नहीं पता कि मैंने कौन सा आईडी यूज़ किया हूँ जिसमें एआई के साथ सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर भी वीडियो मैंने डाला कि कैसे आप एआई बिल्ड इन आईडी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया यार। कर्सर नाम है इसका, अगर आप जाओ चाहो तो इसको सर्च करके यूज़ भी कर सकते हो। वीएस कोड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारे पास इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि हमारा जो ये देख सकते हो आप इस तरह से दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कि ऐसा चाहता हूँ कि ये पूरा नहीं यूज़ करे, ठीक है। तो मैं इसको अगर कॉलम से रैप कर दूँ तब दिखा दे भाई। ओके, थोड़ा सा आई थिंक कुछ आ गया इधर। ओके, कॉलम से रैप करने के बाद सब चीज़ ठीक है हमारे पास। अब एक काम करता हूँ कि हम लोग इसको बीच में भी कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा विथ भी दे देते हैं, विथ 10 का डाल देता हूँ मैं। एंड जो कॉलम है वहाँ से मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, जिससे कि ये हमारा बीच में आ गया एंड बढ़िया भी लग रहा है देखने में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिलीट का बटन आ गया एंड हमारे पास एडिट का बटन आ गया, इधर हमारे पास वो चीज़ें हैं जो हमारा प्रोडक्ट को दिखाएगा, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब एक काम करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें तो होगी, अब हम लोग यहाँ पर ऐड करने के लिए प्रोडक्ट ऐड कैसे होगा वो चीज़ देखते हैं। और कुछ तो मैं भूल नहीं रहा हूँ ना इसमें कि हाँ हम लोग क्या, हाँ अभी एक चीज़ भूल रहा हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेटस चेंज करने का एक बटन होना चाहिए यहाँ पे।
तो एक सेकंड रुक जा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक्टिव ट्रू 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 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि अगर ट्रू लिखा रहे तो वो ग्रीन से दिखाई देगा, ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर ट्रू लिखा रहे तो ग्रीन से दिखाई देगा, अगर फॉल्स लिखा रहे तो रेड से दिखाई देगा। मैं सिंपल सा वो चेंज करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्शन में नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यस देखो सजेशन आ गया, इफ़ कॉलम नेम इक्वल टू इज़ एक्टिव, तो हम लोग नॉर्मल दिखा तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे कलर स्टाइल करूँगा एंड टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ मैं करूँगा कलर इज़ एक सेकंड कॉलम डॉट सॉरी सेल डॉट कॉलम नेम इक्वल टू कॉलम क्या है, कॉलम हमारे पास है ओके। अगर इस तरह से करके देखे तो कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। इस तरह से तो हम लोग अगर इस तरह से किए इज़ एक्टिव, तो यस हमारे पास इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास उल्टा हो गया। अगर ये ट्रू रहेगा तो ग्रीन दिखाना चाहिए था, अगर फॉल्स रहा तो रेड दिखाना चाहिए था। तो हमारे पास ट्रू है फिर भी ये रेड क्यों दिखा रहा है। सेल डॉट वैल्यू यहाँ पे ओके अब ठीक है। अभी देखो हम लोग स्ट्रिंग में चेक कर रहे थे, अभी सिंपल सा इसको बूलियन चेक करना है कि अगर हमारी ये वैल्यू ट्रू रहा तो ग्रीन, नहीं तो हमारा रेड शो करेगा, ठीक है। सिंपल सा काम है। एंड और कुछ चीज़ें करना है क्या इसमें, वो चीज़ देख लेता हूँ। स्टॉक हमारा ठीक है एंड सेलर ठीक है, पीसेस ठीक है, सारा चीज़ ठीक लग रहा है मुझे। थोड़ा बहुत हम लोग इमेजेस की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हमारा ठीक लग रहा है। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ऐड पे क्लिक करने के बाद हम लोग उसका जो पेजेस होगा प्रोडक्ट ऐड करने का, वो चीज़ बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।